अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने धरती की तरफ तेजी से बढ़ रहे एक विशालकाय उल्कापिंड की खोज की है। बताया जा रहा है कि ये उल्कापिंड माउंट एवरेस्ट से भी कई गुना बड़ा है। हालांकि नासा का कहना है कि इस उल्कापिंड से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये धरती से कई किलोमीटर दूरी से गुजरेगा। वहीं कुछ वैज्ञानिकों ने इसके धरती से टकराने की भी आशंका जताई है। 31,319 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ रहे इस उल्कापिंड को 52,768 नाम दिया गया है। इस उल्कापिंड को नासा ने सबसे पहले 1998 में देखा था। अनुमान है कि ये उल्कापिंड अगले महीने 29 अप्रैल को धरती के पास से गुजरेगा। इस बारे में डॉक्टर स्टीवन प्राउडो ने एक बयान जारी कर बताया कि उल्कापिंड 52,768 सूरज का एक चक्कर लगाने में 1,340 दिन या 3.7 वर्ष लेता है और एक दिन की धुरी 4 दिन में पूरी करता है। खगोलविदों के अंतर्राष्ट्रीय समूह के डॉक्टर ब्रूस बेट्स ने ऐसे उल्कापिंड को लेकर कहा, छोटे उल्कापिंड कुछ मीटर के होते हैं और अक्सर वायुमंडल में ही टकराकर जल जाते हैं। इससे कोई बड़ा नुकसान नहीं होता है। आपको बता दें कि साल 2013 में लगभग 20 मीटर लंबा एक उल्कापिंड वायुमंडल से टकराया था। एक 40 मीटर लंबा उल्कापिंड 1908 में साइबेरिया के वायुमंडल में टकराकर जल गया था। इस आकार का अगर कोई उल्कापिंड वायुमंडल में अब टकराता है तो ये एक पूरे शहर को बर्बाद कर सकता है या फिर सुनामी भी ला सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल देश और दुनिया से जुड़ी ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।